ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। गर्मी के ताप बढ़ते ही राजस्थान का चूरू जिला दहकने लगता है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बीच यह संसदीय सीट चुनावी लपेटों से दहक रही है। इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में चूरू भी एक हॉट सीट बनती जा रही है। एक तरफ इस सीट पर कांग्रेस बीते 25 सालों से जीत का सूखा खत्म करना चाहती है, वहीं बीजेपी इस गढ़ को अभेद किले के रूप में पहले से कई अधिक मजबूत करना चाह रही है। पिछली दो बार मोदी लहर के बाद बीजेपी ने इस सीट के सिटिंग सांसद का टिकट काट पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त देवेंद्र झाझड़िया को थमाया है। इसी बात से नाराज होकर चूरू सीट से सांसद राहुल कसवा ने बीजेपी छोड़ हाथ का साथ थामा है। हालांकि यहां देवेंद्र झाझड़िया से ज्यादा बीजेपी के कद्दावर नेता एक पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ चर्चा में हैं। चूरू लोकसभा क्षेत्र राजस्थान के चूरू और हनुमानगढ़ जिले के कुछ हिस्सों को मिलाकर बनी है। अब चूरू का सियासी माहौल कुछ ऐसा है कि यहां मुकाबला झाझड़िया कसवा की बजाय राहुल कसवा बनाम राजेंद्र राठौड़ हो चला है। कांग्रेस के कसवा के भाषणों और बयानों में भी झाझड़िया पूरी तरह से गायब है। वहीं राठौड़ के बयान भी राहुल कसवा से शुरू होकर राहुल कसवा पर ही खत्म हो रहे हैं। यहां स्थानीय मुद्दों से ज्यादा पिछले विधानसभा चुनाव में राजेंद्र राठौड़ की तारानगर सीट से हार और उसके बाद कसवा की बीजेपी से टिकट काटने का विवाद पूरे क्षेत्र में छाया हुआ है। एक और राहुल कसवा के लिए यह चुनाव नाक का सवाल बन गया है, तो राजेंद्र राठौड़ के लिए अपनी प्रतिष्ठा का है। बता दे, देवेंद्र झाझड़िया के लिए प्रचार कर रहे राठौड़ ने चूरू में डेरा डाला हुआ है। वे चुनावों को लेकर कसवा पर निशाना साध रहे हैं। पलटवार में कसवा भी राजेंद्र राठौड़ पर निशाना साधते हैं। यहां झाझड़िया केवल एक चेहरा है, लेकिन लग रहा है कि चुनाव कसवा बनाम राठौड़ के बीच है। वो बता दे, चूरू लोकसभा की 8 विधानसभाओं में कांग्रेस का पलड़ा भारी है। यहां की तारानगर, सुजानगढ़, रतनगढ़, सरदार शहर व नोहर में कांग्रेस विधायक काबिज है। इस भादरा में बीजेपी, जबकि सादुलपुर बसपा के पास है। हालांकि यहां अब राजनीति जातिगत होती जा रही है। तारानगर से हार का दंश झेल चुके राजेंद्र राठौड़ के प्रति राजपूतों की सहानुभूति है और वे राजपूत समाज को लामबंद करने में जुटे हैं। वहीं राहुल कसवा के टिकट कटने के पीछे राठौड़ का हाथ बताया जा रहा है। ऐसे में जाट समाज कसवा के समर्थन में जाता दिख रहा है। आपको बता दे, चूरू लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 चुनावों से अजय चल रही है। अंतिम बार 1996-1998 में नरेंद्र बुड़ानिया ने यह सीट कांग्रेस को दिलाई थी। उसके बाद 1999-2004 में राम सिंह कसवा और 2014-2019 में राहुल कसवा ने यहां कमल खिलाया। इससे पहले 1985 में बुड़ानिया ने ही कांग्रेस को यहां विजयश्री के दर्शन कराए थे। देवेंद्र झाझड़िया के मैदान में उतरने और टिकट कटने से नाराज होकर राहुल कसवा ने पाला बदल हाथ को थामा और मैदान में उतर गए। यहां का मुकाबला रोचक होना तय है। वहीं इस लोकसभा क्षेत्र में जाट समाज को करीब 25% वोट बैंक माना जाता है। इस जाति समीकरण को ध्यान में रखते हुए दोनों पार्टियों ने ही जाट समाज के चेहरे को मैदान में उतारा है। कसवा को कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक मिलना तय है। आमतौर पर कांग्रेस के वोट बैंक में एससी, एसटी, मुसलमानों को भी शामिल किया जा सकता है। यदि वे जाट समाज को लामबंद करने में सफल होते हैं तो उनकी जीत की राह आसान हो सकती है। वहीं ओबीसी, राजपूत सहित सवर्ण और यूथ को बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है। यदि जाट वोट बैंक बटा और झाझड़िया इस समाज से 50% वोट अपने पक्ष में कर लेते हैं तो उनकी राह आसान हो जाएगी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।